आरएस अग्रवाल नवीन अंक गणित के टाइम एंड वर्क चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11 से सब होगा। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक किसी कार्य को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में तथा सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ किया किंतु दो दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा। देखिए एक काम के लिए तीन आदमी है, बी है और फिर सी है। ए करता है 18 दिनों में और बी करता है 20 दिनों में, सी करता है 30 दिनों में करता है। तो पहले तो आप इसका क्षमता निकाल लीजिए, तो हम क्षमता निकालेंगे एलसीएम मेथड लगाएंगे और एलसीएम मेथड लगाएंगे तो इसका लघुत्तम जो होगा कितना हो जाएगा, 30/120 में 180 लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो आता है यहाँ हमेशा टोटल वर्क आता है। ठीक है, और क्षमता इधर निकाल लीजिए, 18 से भाग दीजिएगा मतलब 180 को यहाँ टोटल काम निकल गया। 180 को काम ए जो है 18 दिनों में कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रत्येक दिन 10 काम कर रहा है, और बी जो है 180 काम को 20 दिनों में कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रत्येक दिन वह 9 काम करता है, 20 9 80 से 180 को काम के सी 30 दिनों में करता है, इसका मतलब है कि प्रत्येक दिन 6 काम करता है। यहाँ जो आता है तो क्षमता होता है, क्षमता इसके क्षमता निकल गया, ए का क्षमता 10 है, डी का क्षमता 9 है और सी का क्षमता 6 है। तो आपसे बोला है क्वेश्चन कहा है कि बी और सी मिलकर कार्य को आरंभ किया, कार्य को आरंभ किया बी और सी मिलकर, मतलब बी प्लस सी दोनों मिलकर कार्य किया है और दो दिन बाद ही छोड़कर चले जाता है। तो दो दिन बाद में किया, दो दिन तक तो काम किया होगा, तो दो दिन में कितना किया होगा ये देख लीजिए, बी दोनों मिलकर टाइम दो दिन लिया, दो दिन के बाद छोड़कर चला गया, लेकिन दो दिन तक ले तो काम किया होगा, तो टाइम दो दिन, तो दोनों का क्षमता कितना होगा, इफिशियंसी मतलब क्षमता होता है, ये लिखे हैं। बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 9 6 15, क्षमता 15 है। आप यहाँ से टोटल वर्क नहीं निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम करके टोटल वर्क निकाल दीजिएगा, तो 15 दूना मतलब कि बी और सी दो दिन जो काम किया उसमें 30 काम फाइनल करके चल गया, और बोला है कि दो दिन करके छोड़ के चल गया, तो बचा कौन होगा, ये बचा होगा। तो काम कितना बचा है, देखिए 180 को काम करना था जिसमें 30 को काम ही दोनों कर दिया, काम कितना बचा, 150 काम बच किया। ए अपना क्षमता से नहीं किया होगा, ए का क्षमता कितना है 10, मतलब ए का इफिशियंसी कितना है 10। आप यहाँ से टाइम नहीं निकाल सकते हैं, वो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बटा इफिशियंसी। तो वर्क 150 में 10 से भाग दीजिएगा, 15 निकल जाएगा, यानी एक का टाइम पूछा है, एक का टाइम आया 15 दिन, आपका जो आंसर हुआ वो 15 दिन हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इसे नया तरीका हो गया, सबसे हटका यह तरीका है। आप चाहे तो दो दिन तक बी सी किया है, शुरू तक किया है बी सी, तो दोनों की क्षमता यहाँ क्या है, 915 है, दोनों मिलकर 15 काम कर रहा है एक दिन में, और दो दिन किया है तो दो दिन में दूसरे पूरा कर दिए, 30 काम तो हो चुका, बातवा यही आएगा। एक बहुत किसी ऐसे ही बताते हैं, तो अब 30 काम तो दिनों कर दिया, अब काम कितना बचा, 150 काम बचा, 150 काम तो ये करेगा, एक समय निकलना है, क्षमता से भाग दी 10 से, 0 0 पर 15 दिन आंसर आएगा। ठीक है, यह जो होगा नया तरीका होगा, यह साफ सुथरा तरीका होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे में कर सकते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ए जो कर रहा है कितना घंटे में, 6 घंटे में कर रहा है, 6 घंटे में एस से हवा लिखते हैं, और बी जो है 4 घंटे में कर रहा है, सी जो है 12 घंटे में कर रहा है, तो बताइए किसमें सबसे ज्यादा क्षमता किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए, क्योंकि 4 घंटे में कोई काम कर दे रहा है और वही काम उसी 12 दिन ले रहा है और बी 6 दिन ले रहा है, इसका ए 6 दिन ले रहा है, इसका मतलब बी का ज्यादा क्षमता है, तो कम दिन में कर दे रहा है, इसका लघुत्तम निकाल के टोटल काम निकाल लीजिए, लघुत्तम करते हैं, लघुत्तम हो जाएगा 12, इसका देखिए टोटल वर्क हो गया है यहाँ, अब यहाँ क्षमता निकाल लीजिए इफिशियंसी, 6 दुना 12 4 3 12 और यहाँ 12 1 12, ए का क्षमता 3, तो बोला है तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी प्लस सी करेगा मतलब कितना घंटा में करेगा, काम तो है 12 को, काम तो है 12 को, और तीनों मिल के कर कितना दिन होगा, कितना दिन करा, 3 2 5 1 6, तीनों का क्षमता कितना है 6, 6 से भाग दीजिए यानी कि 6 2 12 यानी कि 2 घंटा में 3
जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिनों में और एक लड़का अकेला 18 दिनों में पूरा करते हैं तो एक स्त्री अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी। देखिएगा इनसेम क्वेश्चन है, एक पुरुष एम से लिखते हैं मैन, ठीक है, एक स्त्री एक वोमेन लिखते हैं, एक बॉय एक लड़का एक बॉय लिखते हैं, ठीक है, एक लड़का एक बॉय, तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर दे रहा है, 3 दिन में, और जबकि एक आदमी अकेला कर रहा है ना 6 दिन लगा दे रहा है, एक मैन अकेला कर रहा है तो 6 दिन लगा दे रहा है, 6 दिन लगा रहा है, एक बच्चा कर रहा है ना अकेला तो 18 दिन लगा दे रहा है। तो पूछा है एक स्त्री अगर अकेला करती तो वह काम कितने दिन में पूरा कर देगा। पहले उत्तम निकाल लीजिए, पहले उत्तम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ क्षमता निकाल लीजिए 3 से 6 बार में, 6 से 3 बार में और यहाँ 18 से 1 बार में। आपसे औरत से काम करवाना है, अब एक औरत से करवाना है, पता ही एक औरत इसमें इधर तो नहीं है, तीनों का क्षमता इसमें एक औरत एक महिला और एक बच्चा है, इसमें छ जो क्षमता है ना वो तीनों का है, एक महिला एक बच्चा और एक मैंने कहा, जबकि एक मैन का अकेला 3 है, एक बॉय का अकेला 4 है, हम इस 6 में से इन दोनों के मिला घटा देंगे तो एक स्त्री का नहीं बच जाएगा, वो मैन कितना बच जाएगा, इसमें तीनों का वैल्यू है, जबकि ये दोनों अकेला एम का वैल्यू मतलब मैन का वैल्यू बॉय का वैल्यू है, तो मैन स्त्री बॉय में से मैन और बॉय घटा देंगे तो स्त्री बच जाएगा, तो मैन तीनों का क्षमता है 6, जबकि दोनों का क्षमता है 4, घटा दिए तो इसका 2 जो क्षमता आया डब्ल्यू का है, मतलब कि वोमेन का है, आपसे डब्ल्यू से करवाना है, मतलब स्त्री करेगी डब्ल्यू से वोमेन लिखे, ठीक है, करेगी, टोटल काम कितना है 18, औरत जो है 2 काम कर रही है, एक दिन में 2 से भाग दे देंगे 2 6 2 9 18, यानी कि 9 दिनों में औरत अकेला कर देगी, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 होगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है, लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। देखिए यहाँ जो लड़का जो है ना, लड़का का काट दीजिए और वहां आदमी कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, अगर आदमी नहीं कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, आदमी कर लीजिए, वहां जहाँ लड़का पे है लड़का है वहां पे आप आदमी कर लीजिए, नहीं तो आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन मिलाने के लिए आपको उस वहां ऐसे दोनों तरीके से बताएंगे, आदमी को ही बना के बताएंगे और बच्चा को ही बना के बताएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ आदमी कीजिएगा तभी आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जो है ना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, देखिए एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करता है, एक लड़का एक आदमी मतलब एक आदमी आदमी मतलब मैं लिखते हैं और एक लड़का मतलब एक बॉय लिखते हैं, दोनों मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर दे रहा है, ठीक है, यदि अंतिम 6 दिन अकेला आदमी कर रहा है ना, और आदमी नहीं, यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला कर रहा है तब 26 दिन काम में लग जा रहा है, इसका मतलब क्या है ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंतिम 6 दिन आदमी अकेला कर रहा है, देखिए मान लेते हैं कितना आदमी 6 दिन किया होगा, मैन किया होगा अकेला 6 दिन, तब काम 26 दिनों में खत्म हो रहा है, आदमी जो है अंतिम में 6 दिन काम कर रहा है तो काम 26 दिन में खत्म हो रहा है, इसका मतलब है कि 6 दिन अंतिम में आदमी किया होगा अकेला, इसका मतलब बाकी जो 20 दिन बचा होगा इसमें तो दोनों किया होगा मैन और बॉय दोनों मिलकर किया होगा कि नहीं किया होगा, पानी बोला है कि आदमी और लड़का मिलकर एक लड़का और एक आदमी मिलकर काम के 24 दिन में खत्म कर दे रहा है, यदि अंतिम 6 दिन अकेला आदमी करे तब काम 26 दिनों में खत्म हो रहा है, तो हम देख लिए कि बच्चा आदमी अकेला 6 दिन किया मतलब इतना काम 6 दिन किया होगा तो 26 दिन में 6 दिन अकेला कर लिया, इसका मतलब 20 दिन जो पीछे बचा होगा उसमें बच्चा और आदमी दोनों मिलकर किया होगा, तो एक दिन में कोई व्यक्ति मैन और बॉय मिलकर एक दिन में टोटल काम 24 दिन में कर रहा है, इसका मतलब है कि एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 1/24, 2 दिन में 2/24, 3 दिन में 3/24, 20 दिन में 20 दिन, 20/24, तब 20 दिन तक काम किया तब 20 दिन में गुना कर दिया 20 से, यानी कि 20/24, 4 से कट जाएगा 5 बार में, 4 से कट जाएगा 6 बार में, ठीक है, यानी कि
5/6 भाग काम तो हो गया, 5/6 भाग काम होने गया, और शेष काम कितना बचा? शेष घटा लीजिए, 6 में से 5 गया 1, नीचा 6 को 6 5/6 भाग हो गया, 1/6 भाग आ गया, शेष काम कितना बच गया? 1/6 1/6 भाग 20 दिन में दोनों काम खत्म कर दिया, और तो आदमी अकेला बचल है, तो कम 1/6 बचल है, समय उसका बचल है 6, काम बचा है 1/6 और समय बचा है 6, यानी कि शेष काम को वह इतना ही कम हो गया किया, अब आदमी अकेला लास्ट में, यानी कि दोनों काम बराबर है, 1/6 काम 6 दिन के बराबर है, यानी एक टोटल दिन एक जो है कुल को दर्शाता है, सभी को टोटल को दर्शाता है, एक बराबर कितना हो जाएगा 6 6 36 21 का है, आदमी के ना है 6 बोला, 6 आदमी के ना है, इसलिए आदमी करेगा है, मैन के निकला, यानी टोटल काम कितना दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा, ठीक है, आपका जो आंसर हो गया 36 जो ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए अगर बच्चा पे कहेगा बनाने के लिए तब कैसे बनाएंगे, देखिए आदमी एक मैन और एक बॉय मिलकर कितना दिन में कर रहा है? 24 दिनों में, जबकि एक आदमी अकेला कर रहा है, एक मैन अकेला कर रहा है कितना दिन में? 36 दिन में कर रहा है, उत्तर लीजिए तो 72 आएगा, या 24 72 या 36 72, तो आदमी से करवाना है टोटल काम तो 72 है, या आदमी को दिया बच्चा से करवाना है, क्वेश्चन तो बच्चा कहा है तो बच्चा करवाना है, लेकिन आदमी और बच्चा मिला के क्षमता है 3, जबकि आदमी का अकेला है 2, इसका मतलब बच्चा की क्षमता 1 होगा, 1 से भाग दीजिए, यानी कि 72 दिनों में लड़का अकेला कर देगा, ठीक है, और आदमी करेगा तो 36 दिन में कर देगा, ठीक है, उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी को सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ए जो किया है ना 7/10 भाग को 15 दिन में किया है, 7/10 भाग को 15 दिन में, ए जो किया है 7/10 भाग को 15 दिन में किया है, इसको छोड़िए इससे हमको क्या मतलब है, 15 दिन में करे जाए 20 दिन में करे, हमको शेष काम करवाना है 20 से, दोनों से कराना है, फिर ये काम 15 दिन में तो कर दिया, ठीक है, तो शेष काम के कैसे निकालते हैं, सही निकालते हैं, शेष काम कैसे निकालते हैं, यानी 3/10 भाग शेष काम रह गया, 3/10 भाग शेष काम रह गया, इसी काम को बी की सहायता से कितना दिन में कर रहा है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहा है, मतलब ए जो है बी की सहायता ले रहा है, इसका मतलब ए और बी हो गया, बी की सहायता ले ए और बी हो गया, इसको 4 दिनों में कर रहा है शेष कार्य को, शेष कार्य कितना है 3/10, यही शेष काम है, इसी काम को बी की सहायता से 4 दिन में कर दिया है, और एक बराबर कितना होगा 10 का 40, और बटा में 3 चलाएगा, टोटल होता है 1, यानी कि इसको पूर्णांक तो लीजिए, पूर्णांक का ऑप्शन है 13 पूर्णांक 1/3, 3 दिनों में कर देगा, आपसे पूछा कि दोनों मिलकर पूरा काम कितना दिन में करेगा, दोनों का है तो दोनों मिलकर 13 पूर्णांक 1/3 दिनों में कर देगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए एक कार्य को 4 दिन 4 घंटे में और बी और सी इसे 3 घंटे में और ए और सी 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कितने घंटे में करेंगे, देखिए ए अकेला कर रहा है ना तो 4 घंटा लगा रहा है, एक से हावर लिखते हैं, ठीक है, और बी और सी कर रहा है, बी और सी तो 3 घंटा लग रहा है, और सी और ए और सी 2 घंटा, ए और सी कर रहा है, ए और सी कर रहा है तो 2 घंटा लगा रहा है, तो पहले आप टोटल यहाँ वर्ड निकाल लीजिए, मतलब उत्तर लेकर टोटल वर्ड निकाल लीजिएगा कितना आ जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्षमता निकाल लीजिए, यहाँ टोटल वर्ड हो गया, अब क्षमता निकाल लीजिए, यहाँ 4 5 12 3 4 12 यहाँ 2 6 12, आपसे काम करवाना है बी को, बी से करवाना है टोटल काम, तब बी का यहाँ क्षमता अकेला कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर इसमें बी है तो फिर सी का अकेला निकालना होगा, तब तो बी और सी में से सी को घटा देंगे तो बी बच जाएगा, तो सी भी तो अकेला कहीं नहीं है, तो अब तो पहले इसमें सी का निकालना होगा, ए और सी का है, ए का क्षमता अकेला पता है हमको, यहाँ सी का क्षमता निकाल लीजिए, सी का क्षमता निकाल लीजिए, देखिए ए और सी का मिला के क्षमता है 6, ए और सी का मिला के क्षमता है 6, जबकि ए का अकेला है 3, ए और सी में से ए को घटा देंगे सी अकेला बच जाएगा, सी कितना गया 3,
लेकिन हम हमको सी से नहीं करवाना है, हमको तो बी से करवाना है। सी से करवाना था तो टोटल काम सी 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 के क्षमता से भाग देते, सी का दिन निकल जाता। लेकिन हमसे तो बी का करवाना है, बी का क्षमता निकाल लीजिए, बी का क्षमता निकाल लीजिए आप। बी का क्षमता कितना होगा, देखिए बी और सी मिला के क्षमता है चार, बी और सी मिला के क्षमता है चार। जब सी का अकेला है तीन, सी वाला घटा लेंगे, बी और सी में से सी को घटा लेंगे तो बी बच जाएगा। बी का क्षमता कितना निकल गया, एक। अब हमको तो बी से टोटल काम करना है, तो बी करेगा, बी करेगा मतलब कितना दिन में करेगा, टोटल काम तो है बारह। और जबकि बी एक एक काम रोज कर रहा है, एक से भाग दे देंगे, एक से बारह बार में करेगा, यानी कि बारह घंटा में बी अकेला करेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर सत्रह, सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके एक बटा छह समय में ये आधा कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में साफ करे तो बी अकेला इसे कितने दिन में साफ करेंगे, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, सबके सब तो पूछा ही हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बी पहले बोला है, तो बी किसी काम को जितने समय में कर रहा है ना, तो जितने समय कहने से पता चल रहा है कि कितना समय है। तो हम मान लीजिए कि यहाँ टोटल काम एक होता है, हम एक समय ही मान लें, टोटल काम भी एक और समय भी एक मान लीजिए, ठीक है। हम मान लीजिए कि टोटल एक हो गया, उसको बोला है उसके एक बटा छः समय में बी ए आधा कार्य करता है, एक बटा छः समय में आधा कार्य करता है। ए जो है ना इसके एक बटा छः समय में आधा कार्य करता है, आधा का मतलब क्या हुआ, एक बटा दो, एक बटा छः समय में, एक बटा छः समय में करता है, मतलब ए का एक बटा छः, एक का एक बटा छः निकालिएगा तो एक बटा छः में आ जाएगा, और दूसरे काटिए इसको तीन बार, यहाँ आ गया एक बटा तीन आ गया। अब यहाँ से एलसीएम आप ले लीजिए, तो एक और एक बटा तीन का एलसीएम एक होता है, यहाँ टोटल काम निकल गया एक बटा एक सौ एक। अब यहाँ से भाग दीजिए, क्षमता निकाल लीजिए, एक में एक से भाग दीजिएगा तो एक क्या आएगा, यहाँ इफिशियंसी निकल रहा, और एक एक में एक बटा तीन से भाग दीजिएगा तो तीन आएगा, ठीक है। एक में एक बटा तीन से भाग दीजिएगा तो तीन आएगा, तो कैसे देखिए एक में भाग दे रहा है एक बटा तीन से, तो एक आई उल्टेगा तो तीन बटा एक हो जाएगा, तीन एकम तीन। अब देखिए तो टोटल काम ए और बी मिलकर कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहा है, तो टोटल काम कितना है एक, और दोनों का क्षमता कितना है चार, तो ये टोटल काम कर दिया कि नहीं एक बटा चार समय में, जबकि बोला है कि दस दिनों में कर रहा है, दस दिन है कि हाँ दस दिनों में, एक बटा चार दिन में कर रहा है शेष काम टोटल काम, जबकि कुछ किताब बुक बोला है क्वेश्चन बोला है कि दस दिन में कर रहा है, एक बटा चार टोटल काम टोटल दिन हो गया, अभी टोटल दिन हो गया बराबर हो गया, यानी कि एक बराबर टोटल होता है दस रुपये चालीस, यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को चालीस दिन में कर देगा। अगर चाहते हैं एस एक्स मान के बनाने के लिए, तब बी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं कि एक्स दिन में कर देता है, तो इसका मतलब है कि ए कितना करता होगा, इसका आधा का मतलब एक्स बटा, देखिए एक्स बटा दो को, लेकिन ये आधा दिन में कर रहा है, तो बराबर करेंगे वही बात आएगा, उसे करेगा तीन बार में, यहाँ आया एक्स बटा तीन आया, तो लीजिएगा तो एक्स आएगा, एक से भाग दीजिएगा एक आएगा, यहाँ भाग दीजिएगा एक्स में एक्स बटा तीन से भाग दीजिएगा तीन आएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स बटा चार हो जाएगा, बराबर दस हो जाएगा। टोटल काम इतना दिन में कर रहा है, जबकि टोटल काम इतना दिन दिया है, एक्स बराबर कितना होगा, दस रुपया चालीस दिन होगा, ये तरीका, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ऑप्शन जब होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, देखिए यहाँ बी पूछा है एक दोनों मिलकर कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, दस दिनों में, तो दोनों मिलकर किया है, टोटल काम एक हुआ और दोनों का क्षमता हुआ चार, एक बटा चार समय में कर दे रहा है, आज अभी समय दिया है दस, एक बराबर चालीस आ गया, ठीक है। ए बी से पूछा है, बी का ही तो ही निकला कि बी का ही एक दिन में कर रहा है, एक बराबर चालीस नहीं आया, टोटल काम हम एक माने हैं, मान के ना किया है, मानना एक माने, एक बराबर चालीस नहीं आया, इसलिए आपका आंसर चालीस है, ठीक है। चलिए अठारह नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अठारह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी की तुलना में तीन गुना अधिक कार्यकुशल है, कार्यकुशल मतलब क्षमता उसका ज्यादा है, तीन गुना क्षमता है, अथवा वह किसी कार्य को बी की तुलना में साठ दिन कम में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए ए और बी का चर्चा किया है, ए और बी, ए बी की तुलना में तिगुना कार्य कुशल है, ए जो है ना बी का तिगुना,
लेते हैं तीन तीन हो जाएगा। कार्य कुशल मतलब क्षमता, इफिशियंसी कैसे होगा तो आपको पता है इफिशियंसी को उल्टा होता है टाइम। यहाँ टाइम के रेशियो आप निकाल लीजिए, उन्हें दीजिए एक अनुपात तीन हो गया। तो बोला है एक ही बारे में कहा है ये जो एक जो है ना, ये जो है ना 20 से 60 दिन पहले ही काम खत्म कर दे रहा है, ये जो है ना 20 से 60 दिन पहले ही काम खत्म कर दे रहा है। तो अनुपात में कितना दिन पहले काम खत्म कर रहा है, ये अनुपात में 2 दिन काम पहले कर दे रहा है। अच्छा फिर रियल बोला है कि 60 दिन पहले कर दे रहा है, तो पहले पहले बराबर ठीक है। अनुपात एक का वैल्यू चला गया यहाँ 30 दिन चला गया ठीक है। अब यहाँ देखिए अनुपात एक का वैल्यू 30, तीन का वैल्यू अनुपात एक का वैल्यू 30, एक का वैल्यू 30। और देखिए बी जो है 90 दिन में कर दे रहा है, ए अकेला कर दे रहा है 30 दिन में, 60 दिन पहले कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है। आपसे पूछा है क्या कि ए और बी मिलकर उस कार्य को करते कितना दिन में करेगा। देखिए 30 और 90 का एलसीएम कितना होगा, 90 हो जाएगा। आपको ए और बी से करवाना है, ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, ए और बी करेगा तो टोटल काम कितना है 90। यहाँ तो टोटल काम ही तो आता है, टोटल वर्क आता है, दोनों का एलसीएम लीजिए तो 90 है, टोटल काम है 90। और दोनों के अपन अपन क्षमता से करेगा, तो ए का क्षमता है कितना 3 और बी का क्षमता है 3 × 1 = 4 क्षमता से करेगा। दो से करेगा दो बार में, दो से करेगा 45 बार में, यानी कि 45 यानी कि 45/2 यानी कि 22.5 दिनों में कर देगा दोनों मिलकर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी सी एक कार्य को 36 दिन 54 दिन और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी छोड़ दिया, सी ने कितने दिन काम किया। क्वेश्चन छोड़ छाड़ करने वाला है। देखिए ए बी सी, ए है बी है और सी है, ए जो है 36 दिनों में कर दे रहा है, बी 54 दिनों में कर दे रहा है, सी 72 दिनों में कर दे रहा है। 54 × 216 = 72 × 216 यहाँ जो आता है हम बोलते हैं कि हमेशा टोटल वर्क ही आता है, टोटल वर्क आता है। तो अब क्षमता निकाल लीजिए 36 × 216 = 54 × 216 = 72 × 216 यहाँ जो आया क्षमता या इफिशियंसी ठीक है, क्षमता आ गया। लेकिन काम अब छोड़ छाड़ करके कर रहा है ठीक है, काम छोड़ छाड़ करके कर रहा है। ध्यान दीजिए पहले काम कौन छोड़ा है, बोला है काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ दिया, फिर काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी छोड़ दिया। देखिए ए और बी छोड़िए दिया, पहले तो आरंभ किया तीनों मिलकर, आरंभ तो तीनों मिलकर किया होगा वो क्वेश्चन बोला है, लेकिन 8 दिन पहले काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ दिया, ए छोड़ा है बी छोड़ा है, ए छोड़ा है, ए छोड़ा, इसका मतलब क्या है कि बी और सी बचा होगा, बी और सी बचा होगा, इसका भी समय पता नहीं है। अभी बी भी छोड़ दिया तो कौन बचा होगा, सी बचा होगा, तो सी बचा होगा, तो लास्ट में 8 दिन पहले ए छोड़ा है और बी भी छोड़ दिया, तो बताइए 8 दिन तो अकेला सी किया होगा, सी 8 दिन किया होगा, तो सी का क्षमता कितना है अकेला देख लीजिए 3 है, तो 3 से गुणा कीजिएगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा 8 × 24 काम लास्ट में अकेला सी किया होगा। अब देखिए बी जो है काम समाप्त होने से 12 दिन पहले सी छोड़ देता है, तो 8 दिन तो ही हो गया, तो 4 दिन नहीं छोड़ा होगा, 4 दिन पहले मतलब ए को छोड़ने से 4 दिन पहले छोड़ा होगा, यानी कि बी जो है यहाँ 4 दिन छोड़ा होगा, ताकि ए 8 दिन पहले छोड़ा बी 12 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब है कि बी और सी 4 दिन किया होगा, सी अकेला 8 दिन कर लिया, 12 दिन पुराना है, 8 × 4 = 12 नहीं हो गया। और बी और सी का क्षमता कितना है देख लीजिए, बी और सी का 4 दिन 7, तो यहाँ वर्ग निकल जाएगा 7 × 28, तो 24 को 28 तो काम हो गया, 24 28 छोड़ के इसमें से घटा लीजिए 24 और 28 दिन, 8 × 4 = 2, 2 × 2 = 4 = 5, 1 कितना बचा 4, यहाँ जाएगा हमसे 6, 124 काम बच गया, यानी कि 164 काम, यानी कि ए बी सी मिल के वो शुरू में 164 को काम किया होगा, 164 काम कर दिया ठीक है। और देखिए तीनों का क्षमता कितना है देख लीजिए,
13 क्षमता से कर रहा है, यहाँ से टाइम नहीं निकाल सकते वर्क को एफिशिएंसी करके, इसमें 13 से भाग दीजिए 13 26। ठीक है, यानी कि पूछा है कि सी कितना दिन काम किया, सी करेगा, सी कितना दिन किया है, 12 दिन तो तीनों के साथ किया है, अभी 4 दिन एक के साथ किया है, तीनों किया था, अभी 8 दिन सब छोड़ दिया तो किया है, 8 और 12 24 दिन सी लगा था इस काम में। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया, देखिए इसको एक और तरीके बताते हैं, इसको इधर बन गया, ठीक है, इसके दूसरा तरीका देख लीजिए। पहले और बाद का क्या मतलब है, पहले और बाद ये वो चीज इसमें कहता है, छोटा वाला क्वेश्चन में, तो पहले बोलेगा तो इसमें जोड़ देंगे और बाद बोलेगा तो इसमें घटा देंगे। पहले तो टोटल काम निकालिए, तो कोई दिक्कत आप लोगों को दिक्कत नहीं है, तो टोटल काम निकालिए, तो देखिए इसमें इसे भागने किसी को नहीं दे रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि ए 8 दिन पहले छोड़ के चल गया, तो एक छोड़ के चल गया तो उसको पास हम लोग अपना से रोक लेंगे उसको कि भाई तू नहीं गया छोड़ के, तो अगर 8 दिन पहले छोड़ा है तो ए 8 दिन पहले नहीं छोड़ा रहता तो कितना काम किया रहता, 8 × 48 एक दिन में 6 को आया था, 8 दिन में क्या करेगा, 48 को करेगा, 48 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और फिर बी 12 दिन पहले छोड़ा है, तो बी 12 दिन पहले नहीं छोड़ रहा था 12 दिन तो कितना काम करता, बी एक दिन में कराया 4 तो 12 × 48 तो बी भी 48 किया रहता, आया भी 48 करता अगर नहीं छोड़ के जाता तो बोलिए पहले पहले छोड़ के किया है कि नहीं, पहले पहले कहाँ है ना कि पहले छोड़ के चल गया है, एक जोड़ दीजिए, हमेशा जोड़ दीजिएगा, पहले पहले बोलेगा जोड़ दीजिएगा, जितना जितना दिन पहले छोड़ा रहेगा उसमें एफिशिएंसी से गुणा करके आवाज जोड़ दीजिएगा, 6 × 8 = 14 = 14 = 8 = 22 22 के 2 हासिल 2 4 × 2 = 8 = 1 9 × 2 = 11 हासिल 1 × 2 = 3 312 आ गया ना, बस इन तीनों की क्षमता से भाग दे दीजिएगा ए बी सी से, 6 × 4 = 10 = 3 13 से भाग दीजिएगा आपका टाइम निकल जाएगा, जिसका पूछा है उसका निकल जाएगा, ठीक है। 13 × 2 = 26 × 13 × 2 = 52 यानी कि 24 दिनों में काम फिनिश कर रहा है, 24 दिन सी लगा रहा है इस काम में, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर टी में है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं जबकि बी और सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, पहले इस पर ए 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया और शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया, सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, पूरा करेगा, पूरा करेगा ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन में ये भी दमदार क्वेश्चन है, दमदार क्या है, इसमें आपको सोचने पर मजबूर कर देगा क्वेश्चन, ए और बी मिलकर कर रहा है ना, ये कितना दिन में कर दे रहा है, 12 दिनों में कर देगा, और बी और सी मिलकर कर रहा है तो कितना दिन में, 16 दिनों में कर दे रहा है, तो यहाँ टोटल काम निकाल लीजिए, तो 12 × 48 हो जाएगा टोटल काम, यहाँ टोटल काम निकल गया, अब आप यहाँ से क्षमता निकाल लीजिए, तो 12 × 48 16 × 48 यानी ए और बी का क्षमता कितना है, 4 और बी और सी का क्षमता कितना है, 3 लेकिन यहाँ बोला है कि ए 5 दिन अकेला कार्य किया और बी 7 दिन किया और सी अंतिम में 13 दिन में काम को फाइनल कर दिया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बताइए ए 5 दिन किया है, आप ए कैसे 5 दिन करवाइएगा, इसमें अकेला है इसमें नहीं, ए 5 दिन में कैसे कर सकते हैं, और बी 7 दिन किया है तो बी 7 दिन कितने से करवाइएगा इसको अकेला, सी 13 दिन फाइनल किया है तो सी का अकेला पते नहीं है तो सी से कैसे काम करवाइएगा, इसके लिए तरीका देखिए क्या है, जब आप ए से करवाइएगा तो बी से आपको मजबूरी में करवाना पड़ेगा,
लेकिन हाँ ए से पांच दिन करवाना है और बी से सात दिन करवाना है, ज्यादा भी नहीं करवाना है नहीं कम दिन करवाना है, नहीं तो क्वेश्चन गलती आंसर पर गलती रहेगा। तो देखिए ए पांच दिन का काम किया है ठीक है और बी सात दिन काम किया है, तो बताइए हम ए से अगर करवा दे रहे हैं इसमें तो बी भी कर ले रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ए और बी से पहले हम पांच दिन काम करवा दे रहे हैं तो ए पांच दिन कर जाएगा, इसीलिए हम ए के पांच दिन एक बार ई वाला डाल लीजिए, ए पांच दिन कर रहा है ए और बी, तब ए कर रहा है पांच दिन तो बी को ही पांच दिन करवाना पड़ेगा आपको। तो दोनों का क्षमता कितना है देखिए, ए और बी का क्षमता कितना है चार, चार टोटल वर्क कितना कर दिया 520 काम कर दिया। अब जो है अभी सात दिन करवाना है, अब बी बताइए इसमें तो पांच दिन कर दिया कि नहीं, बी ए से पांच पांच दिन करवाना है इसलिए हम पांच लिखे ठीक है, अभी से सात दिन करवाना है ए का पांच दिन काम करने लग गया, जब ए पांच दिन कर ही दिया तो बी भी पांच दिन कर दिया और बी से सात दिन करवाना है तो बी का सात दिन करना है, बी का लड़का नहीं है अकेला आप इसको ले नहीं सकते हैं कि इसमें भी है ऐसे पांच दिन करवाना है। अब हम बी और सी को लेते हैं, अब हम बी और सी को लेते हैं तो बी और सी तो बी तो पांच दिन यहाँ कर दिया और बी से सात दिन करवाना है, इसका मतलब दो दिन और बी से करवा दे रहे हैं सात दिन हो गया, बी यहाँ भी दो दिन और बी यहाँ पांच दिन, सात दिन हो गया कि नहीं, तो जब बी दो दिन कर दे रहा है तो सी बी इसमें दो दिन कर दे रहा है, अकेला तो है नहीं कि करवाइएगा बी से, तो बी जब दो दिन कर रहा है तो सी भी दो दिन कर रहा है, तो बी और सी की क्षमता कितना है, बी और सी की क्षमता तीन है, तीन तो काम कितना कर दे रहा है, तीन छह काम कर दिया। अब देखिए ए जो है पांच दिन कर दिया, बी भी पांच और तुम सात दिन कर दिया, सी भी दो दिन कर दिया और शेष समय कितना रह गया, अब देखिए अब शेष काम निकाल लीजिए आप, शेष काम निकाल लीजिए, शेष काम शेष 48 काम है टोटल जिसमें से 20 और 26 काम तो हो गया 12 दिन में, सात दिन में 26 काम हो गया, तो काम कितना बचा 26 घटा लीजिए इसमें से, 8 में 100 गया 2 और 4 में 100 गया 2 यानी 22 काम शेष बच गया, 22 काम शेष बच गया, तो इसी को नहीं सी किया है तो सी का दो दिन कर दिले, तो सी का शेष समय कितना बचा, सी का शेष टाइम शेष समय कितना बचा, दो दिन तो कर दिया और 13 दिन करवाना है, 11 को समय बचा, तो हम यहाँ से सी का क्षमता निकाल सकते हैं, सी का क्षमता निकाल सकते हैं। देखिए काम है 22 को 11 दिन में कर दे रहा है, 11 से भाग देंगे तो क्षमता ना निकल जाएगा, दो टोटल काम है टाइम से भाग दीजिएगा तो क्षमता ना निकल जाएगा, यानी सी का क्षमता चला गया दो, लेकिन सी से कुल काम करेगा तो कितना दिन रहेगा, सी करेगा तो टोटल काम तो है 48, इसी को करे कौन कर रहा है, दो से कर रहा है सी, दो से कर जाएगा 24 और यानी कि सी जो है अकेला 24 दिनों में कर रहा है, जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ।